السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको बताऊंगा कि औरतों का मज़ारात पर जाना कैसा है, औरत मज़ार पर जा सकती है या नहीं, और अगर औरत मज़ार पर जाती है और मर्द उसे मना ना करे तो फिर उस मर्द के लिए शरीयत का क्या हुक्म है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, औरतों को मज़ारात पर जाना नाजायज़ो हराम है। फतावा रज़विया में आला हजरत से किसी ने सवाल किया कि हुजूर, जब औरतें मज़ारात पर जाती हैं तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो आल सईदी सरकार आला हजरत ने फरमाया कि औरतें जब घर से मज़ार के लिए जाने का इरादा करती हैं और मज़ार के इरादे से जब घर से निकलती हैं और जब तक वो वापस मज़ार से वापस नहीं आती हैं, तब तक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत भेजते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। तो जिस औरत पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हो तो फिर भला उस औरत का हाल क्या होगा। लेकिन आजकल औरतों को मज़ारात पर जाना ये फैशन बन चुका है और हमने भी खुली छूट दे रखी है कि औरत अगर मज़ार पर जाती है तो मर्द उसे मना भी नहीं करता है कि तू मज़ार पर मत जा, बल्कि आजकल हालात ये हैं कि मर्द अपने साथ में औरतों को लेकर के मज़ारात पर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, औरत को मज़ारात पर जाना नाजायज़ो हराम है। वो जाती हैं तो गुनाह के अंदर मुलव्विज़ होती हैं और अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर लानत भेजते हैं। दूसरी भी बात, अगर औरतें कब्र पर जाती हैं, मज़ारात पर जाती हैं और मर्द ना मना करे तो उनके लिए क्या हुक्म है? आइए हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊं। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मर्द की बीवी बेपर्दा घूमे और उस वो मर्द अपनी औरत को मना ना करे और पर्दे में रहने के लिए ना कहे, ऐसे मर्द को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयूस कहा है। कहा वो शख्स दयूस है जो मर्द अपनी बीवी को बगैर पर्दे में देखे और उसे पर्दा करने का हुक्म ना दे, और उसकी बीवी अगर बेपर्दा घूमती हो तो उसे पर्दा करने का हुक्म ना दे। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर किसी मर्द की बीवी बेपर्दा घूमती हो और वो मर्द उसे मना ना करता हो तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे शख्स की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई दुआ अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मर्दों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औरतों को मज़ारात पर जाने से रोकें और उन्हें मना करें, क्योंकि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है। कुरान करीम में फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। तो मर्दों की जिम्मेदारी ये है कि वो औरतों को मज़ारात पर जाने से रोकें। अगर नहीं रोकते हैं तो जो वईद मैंने बताई है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तो शख्स की ना नमाज कबूल होती है और ना फिर रोज़ा कबूल होता है। और औरतों की जिम्मेदारी ये है कि वो मज़ार पर ना जाए, उनका शौहर जो उन्हें हुक्म देता है वो अपने शौहर के हुक्म की तामील करें, क्योंकि जो औरत अपने मर्द के हुक्म की तामील नहीं करती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन उसे जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार किया जाएगा। और जिस घर के अंदर औरतों का हुक्म चलता हो और मर्द की इज्जत ना की जाती हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला उस घर में कभी बरकत नहीं नाजिल फरमाता है जिस घर में मर्दों की इज्जत ना की जाती हो और जिस घर के अंदर मर्द से ज्यादा और मर्द से ऊंची आवाज औरतों की निकलती हो, अल्लाह उस घर में कभी बरकत को नाजिल नहीं फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला औरतों को पर्दे की तौफीक अता फरमाए और मर्दों को अपनी औरत को पर्दे में रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।